वेलकम टू बीके स्टडी 5-6। आज हम लोग फिर से लेके आ गए जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का ये प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो सबसे पहले फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट हम लोग चलेंगे लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत दिक्कत ही करता है। जैसे GPF क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हो क्या होते हैं, फिर ये शंघाई योजना, मतलब ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण एम्बेसडर हिटेल अवार्ड, मतलब ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग डेली बाय डेली जैसे करते थे, आज भी फिर लेके आ गए। तो चलिए ऐसे ही लगातार क्वेश्चन आप तक पहुँचे, यानी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या है, 18वीं शंघाई योजना संगठन 2018 आयोग कहाँ हुआ था? कौन सा कह रहा है कि 18वीं शंघाई योजना संगठन 2018 आयोजन कहाँ हुआ था? अब इसमें देखिए कहाँ बता रहा है, चीन में हुआ था, भारत में, तजाकिस्तान में या मंगोलिया, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा तो आप बताएंगे। तो आपको हम बता दें करेक्ट ऑप्शन कि इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ए, यानी ये हमारा जो है कि 18वीं शंघाई योजना संगठन 2018 का आयोजन चीन में हुआ था। अब थोड़ा सा इसके बारे में चलते हैं, हम लोग डिटेल करते हैं क्या था। ये देखिए क्या है, यानी 9 और 10, 9 कह सकते हैं या 10 कह सकते हैं, 10 जून 2018 के मध्य शंघाई योजना संगठन, ठीक है, 18वीं 10 जून 2018 शंघाई योजना का संगठन SCO, SCO के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों की 18वीं शिखर बैठक किंग ठागो यानी चीन में संपन्न हुई 10 जून 2018। किसके सदस्य, SCO यानी 18वीं शिखर बैठक किंग ठाओ चीन में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं सब। तो आइए अगले क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 17 सितंबर, 10 अक्टूबर, 25 नवंबर। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन दीजिए। चलिए देखिए इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी, 10 अक्टूबर। क्या होता है कि 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में GPS का विस्तार क्या है? GPS, ये GAPF, GPF यानी ऐसे कह सकते हैं GPF, GPF का विस्तार क्या है तो इसके बारे में जानेंगे। जनरल प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रॉफिट फंड, जनरल परमानेंट फंड, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो देखिए GPF का पूर्ण रूप, यानी इसमें तो प्रोविडेंट यानी हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लेकिन कैसे? देखिए जनरल प्रोविडेंट फंड ये क्या होता है, GPF, जी से होता है जनरल, पी से होता है प्रोविडेंट, एफ से होता है फंड, मतलब इस फंड में क्या होता है कि जमा राशि कर्मचारी को सेना वितरित या रिटायरमेंट के बाद मिलती है, यानी जो GPF होती है उसमें जो वो अपना सर्विस के प्रेजेंट टाइम में जो कार्य करता है वो पैसा सब क्या होता है कि कट के जमा होता है, और रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि वही GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में मिलता है, ठीक है, या रिटायरमेंट के बाद मिलता है ये कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ताज
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? किसका निर्माण कर रहे हैं? ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पहला मथुरा, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए, इसमें भी थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य तथा दिल्ली हवाई अड्डे से भीड़, जैसे मान लीजिए कि लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, मान लीजिए वहाँ पे, जहाँ पे हवाई अड्डे की मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो एक तरह से यह कह सकते हैं कि दिल्ली के हवाई अड्डे से भीड़ को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण ताज नगरी आगरा में करने का प्रारंभ किया है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां हिंदी दिवस 2018 कहाँ मनाया जा रहा है? नहीं, विश्व का 11वां हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया? मालदीव, मलेशिया, भारत, मॉरिशस। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो चलिए बता दें आपको कि इसमें हमारा ऑप्शन होगा मॉरिशस। सही ऑप्शन हमारा होगा मॉरिशस, क्योंकि 18 से 20 अगस्त यानी 2018 के दौरान मॉरिशस में 11वां विश्व, सन भी बता दे रहे हैं, देखिए 20 अगस्त 2018 के दौरान मॉरिशस में 11वां हिंदी दिवस सम्मेलन 2018 को मनाया गया। ठीक है, वैसे विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष में 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन मॉरिशस में 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अब इसमें विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा, ए आर रहमान, सलमान खान। करेक्ट आसन क्या होगा आप बताएंगे? तो इसमें देखिए एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि किसको मतलब नियुक्त किया गया, तो ये समझिए कि इसमें होगा ए आर रहमान। अभी इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि ये क्या है। देखिए 20 जून पूरा बताते चल रहे हैं डिटेल। 20 जून 2018 को सिक्किम सरकार ने क्या कर रहे हैं, सिक्किम सरकार ने राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गीतकार किसको लिए? एक हमारे गीतकार जी हैं, संगीतकार और गायक ए आर रहमान को नियुक्त किया गया, यानी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। किसको? ए आर रहमान जी को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब जरूर कीजिएगा। हिटले अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण से, जीवों का संरक्षण से, प्रदूषण संरक्षण से, वैश्विक तापमान के संरक्षण से। कौन सा अवार्ड? हिटले अवार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए आप। तो इसमें देखिए हिटले अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इतना समझ गए, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या किया जाता है, क्यों दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ और बताएंगे कि वर्ष 2018 का अगर कहा जाए, 2018 की बात कर रहे हैं, वर्ष 2018 का हिटले अवार्ड 25 अप्रैल अगर पूछ दिया कि 2018 का हिटले अवार्ड, तो उसको बताएंगे कि 25 अप्रैल 2018 को WFN, ऐसे कह सकते हैं WFN के एम्बेसडर को प्रदान किया गया। एम्बेसडर पूछ देगा तो WFN भी कह सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, भरतनाट्यम कौन से घराने से प्रसिद्ध है? तो तंजौर, कच्चीपुरम, पांडव लूट, यस ये सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये होगा सभी। क्यों? देखिए, भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र आधार पर आधारित दक्षिण भारत की मुख्य रूप से तमिलनाडु या शास्त्रीय नृत्य शैली है। तंजौर, कांचीपुरम और पांडलूट इस नृत्य शैली के प्रसिद्ध राज घराने हैं, यानी इनमें सभी का नाम लिया गया है। राज तंजौर, कांचीपुरम, पांडलूट, यानी इन तीनों का, यानी ये इन सभी ये जो है कि नृत्य हमारी प्रसिद्ध राजघराना की शैली है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को बंद करते हैं।